हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक था, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था द डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर। हमने तीन डिसऑर्डर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो क्या क्या था? एक तो था यूरेमिया, दूसरा यूरेमिया के अलावा और एक था हीमोडायलिसिस, जिससे यूरेमिया ठीक हो सकता है। और हीमोडायलिसिस डिस्कस करने के बाद हमने और एक टॉपिक डिस्कस करा था जिसका नाम किडनी ट्रांसप्लांटेशन, राइट। तो ये डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए वेट कर रहा है उसका नाम क्या है? रेनाल फेलर या तो किडनी फेलर, राइट। किडनी फेलर का एक्चुअली मतलब क्या है बेटा? ये आपके लिए किडनी बनाया मैंने, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है इसका नाम एड्रिनल ग्लैंड। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस किडनी फेलर, राइट। तो एक्चुअली किडनी फेलर मीन द डिक्रीज फंक्शन और स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ किडनी, स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी किडनी ने अगर पूरी तरह से इसका फंक्शन करने में मतलब फंक्शन करना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, या बहुत ही डिक्रीज लेवल में किडनी फंक्शन कर रहा है, तो यहां पर क्या है? यूरिन प्रोडक्शन होगा क्या? एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ यूरिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। अगर किडनी ने डिक्रीज फंक्शन किया या अगर फंक्शन स्टॉप कर दिया तो क्या है? एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होगा? यूरिन प्रोडक्शन होगा। तो क्या है? अपना ब्लड क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ही क्या हो जाएगा बताइए? दूषित हो जाएगा। मतलब ब्लड इज नाउ, इफ द किडनी इज स्टॉप द फंक्शनिंग देन ब्लड इज नाउ फुल विथ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट इज रियली रियली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये जो किडनी है ये क्या हो चुका है बताइए? फेल हो चुका है, राइट। फेल किडनी। तो फेल किडनी को क्या किस तरह से बोलते हैं कि किडनी फेल हो चुका है, किस वजह से बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट मैं यहां पर दे दिया। अब देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, किडनी फेलर का मतलब क्या होता है एक्चुअली आप जानते हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी बेटा? ये तो आप क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 50 बार कराया। एक्चुअली द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, ठीक है। तो किडनी ने फंक्शन स्टॉप कर दिया मतलब किसने फंक्शन स्टॉप करा बताइए? ये एक्चुअली फंक्शन स्टॉप आपका कर दिया नेफ्रॉन ने, ठीक है। नेफ्रॉन ने फंक्शन करना स्टॉप कर दिया, तभी क्या बोलेंगे हम? द किडनी फंक्शन इज स्टॉप और डिक्रीज। और इसके वजह से ही क्या होता है, ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं किडनी फेलर या तो रेनल फेलर। और एक्चुअली नेफ्रॉन के अंदर ढेर सारा पार्ट होता है, ये भी मैं आपको क्या करता बेटा यहां पर दिखा देता, क्योंकि टॉपिक आपके थैली में जब जाएगा तो ये आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया कप शेपेड, ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड द बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बाउमेन कैप्सूल के अंदर, सॉरी नॉट अंदर, यहाँ पर बाउमेन कैप्सूल के बाद ये जो हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ इसका नाम एक्चुअली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और बाद में यहाँ पर यू शेपेड लूप तैयार होता है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। यू शेपेड ये जो लूप है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से एक हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हो गया लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो नेफ्रॉन ये बदल जाता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड लेके एंटर करता है कौन बताइए? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड लेके आता है। तो एफरेंट आर्टरियोल जब बाउमेन कैप्सूल के अंदर एक कप शेपेड ये जो प्लेस के अंदर आता है तो ये क्या हो जाता है बताइए? कैपिलरी फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी इट इज एक्चुअली कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, राइट। ये द मोस्ट चैंपियन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस, राइट।
तो ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, जो ब्लैड किडनी के पास लेके आया था एफरेंट आर्टरियोल, तो ये हो गया, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। ये तो आप जानते हो इफरेंट आर्टरियोल से ब्लैड बाहर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये ब्लैड किडनी के पास लाया गया, और ये ब्लैड अभी क्या है, दिस ब्लैड इज नाउ फुल विथ एक्सक्रेटरी मटेरियल, ठीक, दूषित पदार्थ से भरा हुआ है। अब इसके वजह से अगर ये मतलब एक्सक्रेटरी मटेरियल ब्लड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, ब्लड दूषित हो जाएगा, तो अपना बॉडी का पूरा सिस्टम फंक्शन बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये काम कौन करता है बताइए, द चैंपियन ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, ब्लड को दिन रात फिल्टर करके साफ कर देता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो काम करता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस जब ब्लड को फिल्टर करते तो यहां पर बन जाता है फिल्ट्रेट। ब्लड से क्या बन जाता है बेटा, यहां पर बन जाता है फिल्ट्रेट, ठीक है, ये फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट नेक्स्ट कहां पर चला जाता है बताइए, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेट ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्विलेट ट्यूब्यूल के बाद ये चला जाता है लूप ऑफ हेनले, यू शेपेड लूप ऑफ हेनले होके ये डिस्टल कॉन्विलेट ट्यूब्यूल होके कलेक्टिंग डक्ट आता है, और यहाँ से ये बना देता है इसको यूरिन। ये क्या बना देता है बेटा, यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिल्ट्रेट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये काम है। और यूरिन में सारा जो अपना बॉडी का एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या हो जाता है, डिपोजिटेड रहता है, जैसे कि स्पेशली कौन है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड डिफरेंट एक्सेस आयन, दैट इज सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एटसेट्रा, राइट। तो ये यूरिन के साथ बाहर चला जाता है, तो अपना बॉडी क्या होता है, बहुत ही ताजा और फ्रेश रहता है, और ब्लड भी क्या रहता है, क्लीन रहता है, ठीक है। तो अभी ये किडनी फेल हो चुका है, मतलब क्या है, आपका नेफ्रन जो है किडनी का यूनिट है काम नहीं कर रहा है, और नेफ्रन का कौन सा पार्ट स्पेशली काम नहीं कर रहा है बताइए, ये ग्लोमेरुलस काम नहीं कर रहा, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नहीं बना पा रहा है, ठीक। और फिल्ट्रेट अगर नहीं बनाएगा तो फिल्ट्रेट से तैयार होता है यूरिन, तो यूरिन प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बॉडी का जो ब्लड है ब्लड भी क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से ढेर सारा तकलीफ आएगा। तो यही क्या है बताइए, बेसिक आइडिया ऑफ किडनी फेलर और रेनल फेलर। अब इसमें मैंने बताया कि एक्चुअली डिक्रीज और स्टॉप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, किडनी फेलियर में क्या होता है बेटा, डिक्रीज और स्टॉप द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट इज द मेन बेसिक एजेंडा ऑफ किडनी फेलियर, राइट। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बोथ द किडनी एब्रप्टली स्टॉप द वर्किंग, एंड दिस इवेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्यूट रेनल फेलियर। अगर दोनों किडनी एक साथ काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस घटना को बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलर, ठीक। मैंने फिर से ये स्टेटमेंट बताता हूँ बेटा, ये किडनी फेलर ही है, एक्यूट रेनल फेलर और एक्यूट किडनी फेलर एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक्यूट एक्यूट टर्म मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पर, कि अगर दोनों किडनी एक साथ काम करना बंद कर दिया तो उस घटना को क्या बोलते हैं, एक्यूट रेनल फेलर, ठीक है। तो अगर एक्यूट रेनल फेलर हुआ तो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो भी आपको पता होना चाहिए, कि किडनी क्या करता है, ये जो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्टर करके क्या बनाता है बेटा, फिल्ट्रेट। तो ये ग्लोमेरुलस किडनी का पूरा टोटल ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या करता है, पर मिनट, एक मिनट में 125 ml क्या बनाता है बताइए, फिल्ट्रेट बनाता है पर मिनट, ठीक है। पूरा किडनी का पूरा ग्लोमेरुलस क्या करता है, एक मिनट में 125 ml क्या बनाता है, फिल्ट्रेट बनाता है। और ये फिल्ट्रेट अगर दिन भर ऐसा काम करते रहा तो किडनी कितना टोटल फिल्ट्रेट बनाएगा 24 घंटा में बताइए, 180 लीटर फिल्ट्रेट किडनी तैयार करेगा, ठीक है। और इसमें से 180 लीटर फिल्ट्रेट में से 99% जो फिल्ट्रेट है ये क्या हो जाता है, री एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में बैक करके चला जाता है, और बाकी जो 1%, मतलब यहां से क्या होता है, नियर अबाउट 1 to 1.5 लीटर क्या होता है बताइए, यूरिन प्रोडक्शन होता है पर डे,
पर डे ये यूरिन प्रोडक्शन होता है। अब दोनों किडनी काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो चुका है, तो क्या है अब ये यूरिन प्रोडक्शन नॉर्मल अमाउंट पे होगा क्या? नहीं होगा। अब ये 99% जो फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब होके बैक करके ब्लड में जाना चाहिए ये होगा क्या? नहीं होगा। किडनी पर डे 180 लीटर जो है आपका फिल्ट्रेट तैयार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया या डिक्रीज हो गया? तो ये पर मिनट क्या करेगा? अभी 120 ml फिल्ट्रेट बना पाएगा बेटा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो यही क्या है बताइए, किडनी फेलर का तकलीफ है। और इसके वजह से क्या होता है बताइए कि रेनल फेलर और एक्यूट रेनल फेलर लीड्स टू आइदर ओलिगो यूरिया। मैं यहां पर ये स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, राइट? ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, अगर किडनी फेल हो चुका है ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखिए, रेनल फेलर और एक्यूट रेनल फेलर लीड्स टू आइदर ओलिगो यूरिया और एन यूरिया। ठीक है, अब क्या मीनिंग है, अगर रेनल फेलर और एक्यूट रेनल फेलर एक्चुअली हो चुका है ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या तो आपका बॉडी में क्या दिखाई देगा, ओलिगो यूरिया, या तो क्या दिखाई देगा बताइए, एन यूरिया दिखाई देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगो यूरिया और एन यूरिया? ओलिगो यूरिया मीनिंग, सिंपली मीनिंग, ओलिगो मतलब होता है लेस। क्या मतलब होता है बेटा? लेस। ठीक है, और एक्चुअली यूरिया मीन यहाँ पर यूरिन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली ओलिगो यूरिया में होता है कि स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन, राइट? स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन मतलब लेस अमाउंट में क्या होगा, यूरिन प्रोडक्शन होगा। दूसरा और एक बात हो सकता है कि लेस अमाउंट पे यूरिन प्रोडक्शन होगा बोले तो कितना यूरिन प्रोडक्शन होगा, तो आप जानते हैं कि नॉर्मली अपना बॉडी में किडनी कितना यूरिन प्रोडक्शन करता है पर डे? 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर यूरिन प्रोडक्शन करता है। पर अगर किडनी फेल हो चुका है तो आपको ओलिगो यूरिया अगर डेवलप हुआ तो इसमें स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन होगा। मतलब ये कितना यूरिन प्रोडक्शन करेगा ये पेशेंट? डेली यूरिन आउटपुट लेस देन 250 ml। क्या हो जाएगा बेटा? डेली यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा? लेस देन 250 ml। ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कैसे भी आप भूलना मत। और दूसरा और क्या हो सकता है, अगर ओलिगो यूरिया नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एन यूरिया हो जाएगा, क्योंकि ओलिगो यूरिया कब होगा? अगर किडनी डिक्रीज लेवल में काम कर रहा है और अगर पूरी तरह से स्टॉप, फंक्शन स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन यूरिया हो जाएगा। तो आप जानते हैं बायोलॉजी में जहाँ पर ए लगता है, ये मतलब क्या है? एब्सेंट और स्टॉप। ठीक है, यह मतलब यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, किडनी अगर फंक्शन स्टॉप कर दिया तो एन्यूरिया डेवलप होगा, जिसके वजह से क्या होगा, किडनी फंक्शन स्टॉप कर दिया मतलब क्या है बेटा, यूरिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात मैंने आपको बताना चाहा कि एब्सेंट और लेस देन 50 ml यूरिन आउटपुट पर डे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिन प्रोडक्शन एकदम एब्सेंट हो जाएगा, या तो कितना यूरिन प्रोडक्शन होगा, हो जाएगा तो लेस देन 50 ml। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये नॉर्मली जो नॉर्मल इंडिविजुअल हो कितना यूरिन प्रोडक्शन कर रहा है, 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 liter। और अगर किडनी फेल हो चुका है तो क्या होगा, डेवलप होगा एन यूरिया, तो उसमें क्या होगा बताइए, लेस देन 50 ml यूरिन प्रोडक्शन होगा, या तो नो यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना। अब हम देखेंगे व्हाट इज द कॉज फॉर द रेनल फेलर और किडनी फेलर। किडनी फेलर होने के लिए, किडनी फेल करने के लिए क्या क्या कारण हो सकता है, कौन सा कारण से किडनी फेल हो सकता है। ठीक है, तो यही देखेंगे हम। तो बेटा यहां पर देख लेते कि व्हाट इज द कॉज ऑफ किडनी फेलर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ किडनी फेलर, राइट? तो ये पर सबसे पहले कॉज देख लेते हैं कि कौन सा कारण से किडनी फेल हो सकता है। एक तो अगर यूरेमिया हो गया,
ठीक है, यूरेमिया क्या है बेटा, ये एक एक्सक्रेटरी डिसऑर्डर जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। तो यूरेमिया इज नथिंग बट एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड। ठीक है, किडनी क्या करता है, यूरिया को यूरिन में क्या कर देता है बताइए, मतलब यूरिन के अंदर रख देते हैं, यूरिन के अंदर भेज देते हैं और यूरिन अपना बॉडी से बाहर चला जाता है। तो मतलब यूरिया लेवल क्या होता है अपना ब्लड में डिक्रीज रहता है। तो किडनी ही अगर काम नहीं कर पा रहा है तो ये यूरिन ही बना नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है बताइए, यूरिया लेवल क्या हो जाएगा, रियली रियली इंक्रीज इन ब्लड। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, यूरेमिया। तो यूरेमिया अगर बहुत लॉन्ग समय तक चलते रहा तो क्या हो जाएगा, किडनी अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात क्या होगा यहाँ पर, लो ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम क्या है अपना 70 kg अगर किसी का वेट है एक हेल्दी ह्यूमन का, तो उसका बॉडी में क्या है 5 लीटर ब्लड रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम अगर उससे कम हो गया ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो भी किडनी फेल हो सकता है। ठीक, और लो ब्लड वॉल्यूम इज एक्चुअली ड्यू टू हिमरेज। हिमरेज का मतलब क्या है बेटा, हिमरेज ऐसे इसी को बोलते हैं, मानो कि ये क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हो गया एक ब्लड वेसल और इसके अंदर से कौन दौड़ रहा है, ब्लड दौड़ रहा है। ठीक है, तो मानो कि ब्लड वेसल क्या हो गया, रप्चर हो गया। तो रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड एंटर करेगा अदर्स टिश्यू के अंदर, क्या हो जाएगा, फुकट में एंटर करेगा। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हिमरेज बोलते हैं। तो हिमरेज अगर हो गया तो बॉडी के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ए लो ब्लड वॉल्यूम इज लीड कैन लीड्स टू किडनी फेलियर, राइट। दूसरा बात, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक, अगर ब्लड वॉल्यूम लेस हो गया तो ऑब्वियस सा बात है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट मीन क्या है बेटा, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में काफी बार पूछा गया, आगे भी पूछते जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट आवर हार्ट कैन पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड इन ए मिनिट। ठीक, अपना ब्लड एक सॉरी आपका अपना अपना जो हार्ट है, हार्ट 1 मिनट में अपना बॉडी को कितना ब्लड पंप करते हैं बताइए, अपना बॉडी में 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर 1 मिनट में हार्ट क्या करता है, पूरा बॉडी टिश्यू को सप्लाई कर देता है ब्लड। तो इसी को क्या बोलते हैं, 5 लीटर ब्लड को जो 1 मिनट में हार्ट पाम करके अपना बॉडी सेल और टिश्यू को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। तो देखिए हिमरेज की वजह से क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड हाँ, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, किसके वजह से किडनी फेल हो सकता है बताइए, अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया, डैमेज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो यही अगर नेफ्रॉन ही डैमेज हो जाएगा तो फंक्शन कौन करेगा, तो दैट्स कैन लीड्स टू किडनी फेलर। एंड दूसरा क्या है, और एक खतरनाक मतलब कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी में मतलब इनसोल्युबल मास जमा होते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सालेट क्रिस्टल। ठीक है, एक्चुअली मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सालेट। तो कैल्शियम ऑक्सालेट किडनी में जमा होने के बाद, एक क्रिस्टल जमा होने के बाद, ठीक है, क्रिस्टल होता है क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सालेट का क्रिस्टल जमा होने से ये नॉन सोल्यूबल मास बन जाता है, तो उसको किडनी स्टोन बोलते हैं। तो किडनी स्टोन में एक्चुअली भयानक पेन होता है, एकदम अनबिलीवेबल पेन होता है। ठीक है, अनटॉलरेबल पेन पेन होता है। तो ये किडनी स्टोन भी अगर हुआ तो किडनी का फंक्शन क्या हो जाता है बताइए, यूरेटर ब्लॉक कर देता है या यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, किडनी का कैनालिकुली ब्लॉक हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये यूरिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है या यूरिन अच्छे से रिमूव नहीं होता। तो ये किडनी स्टोन भी अगर हुआ तो भी किडनी फेल हो सकता है। और दूसरा क्या है, अगर लॉन्ग टाइम तक कोई नॉन स्टेरॉयडल मतलब ड्रग से ट्रीटेड हुआ, या जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, कारण बन सकता है किडनी फेलर का। अब देखते हैं किडनी फेल अगर हो गया किसी में तो उसमें क्या क्या इफेक्ट दिखता है बॉडी में। एक तो दिखेगा आपका ओडेमा। ओडेमा मतलब क्या है, बॉडी स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा बताइए, ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटाशियम लेवल राइज हो जाएगा, के प्लस लेवल इज राइज इन द ब्लड। और के प्लस लेवल अगर ब्लड में राइज हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो दिस के एलिवेटेड के प्लस लेवल लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। क्या हो सकता है बताइए,
कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हार्ट अरेस्ट हो जा सकता है अगर ब्लड में एलिवेटेड मतलब क्या पोटाशियम आयन रहा, ठीक है, के प्लस आयन मतलब क्या है बेटा, पोटाशियम आयन ब्लड में बढ़ जाएगा, जो कि किडनी अगर नॉर्मल कंडीशन में एक्सेस के पोटाशियम आयन को क्या कर देते हैं, यूरिन के साथ भेज देते हैं, ठीक है, तो ये अगर पोटाशियम लेवल बढ़ गया तो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अरेस्ट हो सकता है, राइट। दूसरा बात क्या है, लो एक्चुअली लो आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक, अगर किडनी फेल हो गया किसी का तो उसका बॉडी में जो आरबीसी है, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आरबीसी आप जानते हैं कि बहुत ही एक स्पेशलाइज सेल है जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन ये जो हीमोग्लोबिनेटेड आरबीसी है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरा बॉडी में सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, तो आरबीसी प्रोडक्शन अगर लो हो जाएगा, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अपना बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आरबीसी लो क्यों होता है किडनी फेल के वजह से, क्योंकि किडनी अपना बॉडी में रिलीज करता है एक अनोखा हार्मोन जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम होता है बेटा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एरिथ्रोपोएटिन पोएटिन, एंड एरिथ्रोपोएटिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये एरिथ्रो किडनी अगर फेल हो गया तो एरिथ्रोपोएटिन किडनी रिलीज नहीं करेगा, तो आरबीसी का प्रोडक्शन इसलिए घट जाएगा, और इसके वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है बताइए, एनीमिया। क्या हो सकता है बेटा, एरिथ्रोपोएटिन लेवल अगर डिक्रीज हो गया तो आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इट्स लीड्स टू एनीमिया। क्या होगा बताइए, एनीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड अपना बॉडी में क्या हो जाएगा, पेशेंट का बॉडी में कम हो जाएगा। दूसरा बात और एक है जो आपको जानकारी रखना चाहिए कि किडनी एक्चुअली नॉट कन्वर्ट विटामिन डी टू कैल्सिट्रायोल, ठीक, किडनी और एक काम करता है, किडनी एक्चुअली क्या करता है, विटामिन डी को कन्वर्ट कर देता है किसमें बताइए, कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करता है, और ये कैल्सिट्रायोल जो है ये क्या करता है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है बताइए, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो क्या होगा, अगर विटामिन डी कन्वर्ट नहीं हुआ कैल्सिट्रायल में तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, अपना बॉडी का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा बताइए, बिलो डाउन हो जाएगा। दैट इज द ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ किडनी फेलर और रेनल फेलर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा डिजीज के बारे में बात करना है।